कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जन आक्रोश महारैली को संबोधित करने के लिए ग्वालियर पहुंची। वहां ग्वालियर एयरपोर्ट पर उतरने के बाद वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल के लिए रवाना हुई। फूलबाग के पास रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर प्रियंका गांधी का काफिला पहुंचा और रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल पर प्रियंका गांधी ने पुष्प अर्पित किए। प्रियंका के साथ पूर्व सीएम कमलनाथ, छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ, कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह सहित कई कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। आपको बता दें कि इससे पहले नेहरू गांधी परिवार का कोई भी सदस्य ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर नहीं पहुंचा। यह पहला मौका है जब पहली बार रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल पर प्रियंका गांधी पहुंची हैं। इसके बाद प्रियंका गांधी ग्वालियर के मेला ग्राउंड के लिए काफिले के साथ जब रवाना हुई, तब लक्ष्मीबाई की समाधि के पास फुटपाथ पर दिव्यांग ई साइकिल पर बैठे थे तो प्रियंका गांधी ने काफिले को रुकवाया और प्रोटोकॉल को तोड़कर कार से उतर गईं और वह दिव्यांग से मिलने पहुंच गईं, जिसके बाद प्रियंका गांधी ने दिव्यांगों से मिलकर चर्चा की। वहीं समाधि स्थल पर प्रियंका गांधी को महिलाओं के विरोध का सामना भी करना पड़ा। बताया जाता है कि ये महिलाएं राजस्थान से आई थीं। इनकी संख्या करीब 50 थी। इनका कहना था कि राजस्थान में महिलाओं पर अपराध बढ़े हैं। ये भैया थोड़ा दूर हो गया, एक मिनट मेरा बस समाधि का फोटो खींच रहा हूँ, एक मिनट में हमारे साथ, कोई नहीं सुनता, बांट नहीं रहना, लोग जितना देना देना, हमारे
आज हमारे अनूप जौहरी और हमारी पूरी टीम हम प्रियंका गांधी जी का स्वागत सम्मान करने आए थे विकलांगों के साथ, और ज्ञापन भी दिया अपनी मांगों को लेकर। उनने हमसे पूछा आपको विकलांगों को कितना पेंशन सरकार दे रही है इस टाइम पे। हमने बोला 600 रुपये देती, 600 रुपये में हमारा घर का गुजर बसर नहीं हो पाता। और हमारी समस्या का उनने सुना, हमारे साथ 2 मिनट का टाइम दिया, हमें बहुत अच्छा लगा। वैसे वो निकल के जा रही थी, देख के विकलांग भाइयों को देख के रुक गई, वो बिल्कुल हमारे पास आके संतुष्टि के साथ उनने 2 मिनट हमारी बात सुनी, हमें बहुत अच्छा लगा। और भी रोचक खबरें देखने के लिए YouTube पर MP Today Network को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको रोज नई खबरें देखने को मिलेंगी।